नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांट लवर अनीता में। और आज का वीडियो मेरा है मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। तो आज 10 पौधों के बारे में बात करूंगी जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और जो कि मेरे गार्डन में मैंने लगा रखे हैं। और सबसे पहले प्लांट है मिंट का, पुदीने का। तो ये देखें, पुदीने का प्लांट है और अभी मैंने इससे कुछ दिन पहले ही कट कर दिया था और इसके पत्तों को जो है मैंने सुखा रखा है। आगे वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जैसे अभी विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा, तो मैंने इसके पत्तों को सुखा के रख लिया है विंटर में यूज़ करने के लिए। और बात करें प्रोपेगेशन की, तो ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और पेट दर्द में ये बहुत अच्छा होता है। तो इसका जो है काढ़ा बनाकर पीने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। खांसी सर्दी जुकाम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। तो ज़रूर से गार्डन में ऐड करें। वैसे मैक्सिमम घर में ये प्लांट जरूर मिलता है। और सेकंड नंबर पे जो प्लांट है वो है कड़ी पत्ता का, और इसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, गुणों से भरा हुआ। बालों के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। तो इसके जो पत्ते हैं इनको पीस करके इसका जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगाने से सफ़ेद बालों की समस्या जो हो जाती है टीनेज एज पर बच्चों की, वो भी दूर हो जाती है। और बालों को जो झड़ने वड़ने की प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है। और इसे खाने में भी बहुत ज़्यादा से यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्लांट है मेरे गार्डन में खुद ही ग्रो हुआ तो मैंने इसे रहने दिया। वैसे ये जो कड़ी लीव्स है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, झाड़ियों की तरह उगता है। तो मतलब मैंने इसे लगाया नहीं था, ये तो खुद ही ग्रो हो गया तो रहने दिया मैंने इसे। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ज़रूर करके आप इसे अपने गार्डन में लगाएं और इसे अपने बालों वगैरह में भी यूज़ करें और खाने में भी इसको यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, कटिंग से इसे इजीली लगाया जा सकता है। और इसके ऊपर एक सीड बनते हैं ब्लैक कलर के, उन सीड्स के थ्रू भी आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे प्लांट है एलोवेरा का। तो ये भी इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है बहुत ज़्यादा है, स्किन के लिए बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके पत्तों के अंदर एक जेल होता है जिसे खाने में भी यूज़ किया जाता है और स्किन में लगाया जाता है, बालों में भी लगाया जाता है। तो मेडिसिन्स में काफ़ी यूज़ होता है ये, और डे नाइट ऑक्सीजन देता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है ये, बहुत ही अच्छा है। बहुत गुणों से भरा हुआ प्लांट हो कुछ इस तरह का तो वो हमारे गार्डन में ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। और इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। इसके प्रोपगेशन आप जो है सिंगल लीव से भी कर सकते हैं। और इसके प्लांट्स के जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो उनके थ्रू भी आप इसे डिवाइड करके मतलब बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने कुछ एक दो तो प्लांट ही छोटे छोटे लगाए थे और अभी देखें मेरे पॉट भर चुका है। कुछ प्लांट मैंने निकाल के डिवाइड भी कर दिए और बहुत ज़्यादा ये फैलता ही जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, हवा को शुद्ध भी करता है, बहुत ही अच्छा। और अब नंबर 4 पे है, ये है तुलसी का प्लांट, ये है राम तुलसी। और इसके गुणों से तो आप वाकिफ होंगे और ये एक शुभ प्लांट में भी आता है, जो कि हिंदू धर्म में जितने भी घर होते हैं उनके घर में ये तुलसी का पौधा जो है जरूर करके लगाया जाता है, उगाया जाता है। एक तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और दूसरा इसकी जो है मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और ये प्लांट जो है डे नाइट ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। तो बहुत सारे ये गुणों से भरा हुआ प्लांट है और इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें। आगे ये सर्दी खांसी जुकाम में एक बहुत ही अच्छी दवा होती है जिसको आप घरेलू नुस्खे में आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को खांसी सर्दी जुकाम, बड़ों को, किसी को भी हो सकती है। अभी सर्दियां आ रही हैं तो ये प्लांट हमारे गार्डन में होना चाहिए और इसे कटिंग से सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है तो इसके लीव्स आप जो है अभी सुखा के रख सकते हैं ताकि विंटर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको काढ़ा बनाना हो तो आप इसके ड्राई लीव्स का भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास इसको आप विंटर में थोड़े शेडी से प्लेस में रखें, खुले आसमान में ना रखें, तो इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े बने रहेंगे ऐसे ही। तो जो अगला प्लांट है ये है लेमन ग्रास का।
और इसे ग्रीन टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लांट की जो लीव्स हैं इनमें से नींबू की तरह खुशबू आती है, तो इसीलिए इसका नाम जो है लेमन ग्रास है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, हार्ट वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो चाय है वो रेगुलरली आप लें तो ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और इसको जो है डिवाइड आप कर सकते हैं, देखिए इसके आसपास से जो है प्लांट्स जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो वहीं से आप एक दो स्टेम जो है वो निकाल लें विद रूट और आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। मैं इसकी एक दो स्टेम ही लेके आई थी और अभी देखें, लाई थी तो 2 दिन ऐसे रखा रहा तो सूखने लगा था, फिर मैंने लगा दिया कि देखते हैं ग्रो होता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। इसका जो बरसात के सीज़न में ये बहुत ही जल्दी जो है फैलता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो बरसात के समय आप इसे ज़रूर लगा लें और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें इसको, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। उसके बाद में अगला प्लांट है गिलोय का। तो गिलोय जो है ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी। इसका जो स्टेम्स होती हैं इनको आप छोटे छोटे पीस में कट करके चाहे तो उबाल के, चाहे तो उसको ओवरनाइट पानी में डाल के सुबह उस पानी को पी लिए जाए, तो ये हर तरह की बीमारी को दूर करने की इसमें क्षमता होती है। सर्दी खांसी जुखाम बुखार बिल्कुल पास तक नहीं आते हैं अगर आप इसको लेने की एक आदत सी बना लें, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो इस प्लांट को आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, मैंने भी इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत ही अच्छी से बेल ऊपर तक पहुंच गई है। उससे अगला प्लांट है ये है गुड़हल का, देसी गुड़हल जिसे बोलते हैं, इसमें रेड कलर का फूल आता है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और ये शुभ प्लांट में भी आता है, ये भी हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। मैंने इसकी 4 कटिंग लगाई हैं, चारों ग्रो हो गई हैं और इन पे बहुत सारी बर्ड्स भी आ गई हैं। तो ये प्लांट भी हमारे बालों के लिए, इसके फूल पत्तियों का जो है वो यूज़ किया जाता है बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है। तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है ये। आगे जो प्लांट है ये है अपराजिता का प्लांट, तो ये अपराजिता का फूल है। ये प्लांट भी बहुत ही, इसकी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है, इसके जो है फूल, इसकी छाल और जड़ें सब कुछ आयुर्वेद में यूज़ ही किया जाता है औषधियाँ बनाने के लिए। तो और ये शुभ प्लांट में की कैटेगरी में ये भी आता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, ज़रूर ज़रूर ऐड करें। और इस तरह की फलियां लगती हैं, इनके अंदर इसके सीड होते हैं और सीड के माध्यम से और कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं इजीली। और अभी विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है, इसके सारे पत्ते वगैरह झड़ जाएंगे, लेकिन जो स्टेम है वो हरी रहेगी। फरवरी मार्च में इसको जो है फिर से नई लीव्स आ जाएंगी और फरवरी मार्च में ही आप इसके सीड से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी हमारे गार्डन में ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके फूलों को भी पानी में डालकर ओवरनाइट और सुबह को इसका पानी पी लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा है ये भी। उससे अगला प्लांट है सदाबहार विनका, और देसी विनका है ये। देसी विनका में 2 कलर आते हैं, एक वाइट और एक पिंक कलर का, और ये प्लांट भी बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। इसकी पत्तियों को भी सुबह उठ करके जो है वो खाली पेट जो है वो एक दो पत्ती जो चबा लेनी चाहिए। बीपी के लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर माना गया है कि जिसका बीपी हाई लो कुछ होता है तो वो इससे जो है वो थोड़ा ठीक रहता है। तो ये इस पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, देखिए पूरा जो छोटा सा पौधा है फूलों से भरा हुआ है। ये छोटे बड़े किसी भी प्लांटर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, एक बार ये गार्डन में आ गया दूसरी बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे अगला प्लांट है पारिजात का, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्लांट है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं इसे लेके आई हूँ और ये भी एक शुभ प्लांट है, हर घर में इसे भी होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा प्लांट है, ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, इसकी जड़ें छाल पत्तियां फूल सब कुछ जो है दवाई बनाने के काम में आता है। और अभी इस पे फ्लावरिंग तो नहीं हुई है,
इस पे वाइट और जिसकी जो स्टेम होती है फूल की, वो जो है ऑरेंज कलर की होती है। रात को ये खिलते हैं और सुबह को ये गिर जाते हैं। तो ये प्लांट भी हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। कटिंग से इसे ग्रो किया जा सकता है और सीड से भी इसे ग्रो किया जा सकता है। तो छोटा सा मेरा प्लांट है अभी, बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है ये, इसीलिए मैंने इसे पहले ही अच्छा 8 से 10 इंच का पॉट दे दिया है ताकि ये अच्छे से बढ़ जाए। और बहुत ही अच्छा प्लांट है, विंटर में ये भी डोरमेंसी में ही जाता है और फिर आगे फरवरी मार्च में सब में न्यू ग्रोथ आएगी। तो ज़रूर इसको ऐड करें अपने गार्डन में। काफ़ी अच्छा प्लांट है। और उसके बाद में ये जो प्लांट है ये है सुदर्शन प्लांट, और इसी के साथ में दूसरा प्लांट है पत्थर चट्टा का। दोनों ही मेडिसिनल प्लांट है और मैंने एक पॉट में ही लगा दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन प्लांट की। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, इसे स्पाइडर लिली के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भी प्रोपिगेट जो है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट इसके रूट्स में से निकलते रहते हैं, तो उनको अलग करके आप इसके प्लांट बना सकते हैं। और इस प्लांट के जो पत्ते हैं उनको पीस के अगर किसी के कान में दर्द हो तो 2 बूंद इसके रस की डाल दें तो वो ठीक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये। अगला जो पौधा है ये है पत्थर चट्टा का, तो इसको भी सब जानते हैं मैक्सिमम। और ये जो है फोड़े फिंसियों में भी काम आता है, जब किसी को फोड़े वगैरह हुए हों तब भी इस पत्ते को बांधा जाता है, जिससे या तो वो बैठ जाता है और या फिर पक जाता है, पक के रेशा निकल जाता है। और दूसरा ये है गुर्दे की पथरी को निकालने में भी कारगर है। तो सुबह खाली पेट उठ के इसके पत्ते चबाने से जिस किसी को भी गुर्दे की पथरी होती है उसे खाना चाहिए, और उससे वो धीरे धीरे करके जो पथरी है वो हमारी निकल जाती है। तो ये भी प्लांट बहुत ही अच्छा है। इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। स्टेम कटिंग से, इवन एक लीफ से भी आप इसे प्रोपिगेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी लीफ को सॉइल में रख दें, वहीं से प्लांट इसका बन जाएगा, और बहुत सारे प्लांट आप इसके बना सकते हैं स्टेम कटिंग से भी। और इजीली ग्रो करने वाले प्लांट हैं ये दोनों, और लो मेंटेनेंस है, कोई ज़्यादा केयर नहीं है इनकी। तो ये प्लांट ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मॉस रोज़ के बहुत सारे फूल जो हैं वो खिल रहे हैं, बहुत सारी इस पे कलियाँ भी बन रखी हैं, ये देखिए। और काफ़ी सुंदर सा प्लांट है। तो ये कुछ एक पौधे थे जो मैंने आज आपसे शेयर किए हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, और ये मेरे गार्डन में ऐड मैंने किए हुए हैं। आप भी अपने गार्डन में इनको ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह के प्लांट हमारे घर में होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लेट डालने के लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो सीडलिंग की थी ना फ्लावरिंग के प्लांट की, तो 1 महीना होने को हो गया, लेकिन कुछ कुछ सीड निकले हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं, तो ज़्यादा वो नहीं। बाकी मैंने तभी सीड बचा के रख लिए थे, दोबारा लगाऊंगी, लेकिन अभी इनमें से निकल रहे हैं। तो अभी मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जो सीड यहाँ पे हमारे मौसम के हिसाब से मुझे सीड जो है 15 अक्टूबर के बाद ही लगाने हैं। तो देखिए गर्मी की वजह से जर्मिनेट नहीं हुए। और ये है वो पुदीना जो मैंने सुखा के रखा है, तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं सुखा के, जो विंटर में हमारे काम आएगा। फ्रेंड्स, तो हैप्पी गार्डनिंग।